sorry. I have gone go many place. तो यहाँ पर जो एंट्री करते साथ जो है अशोक स्तंभ वगैरह यहाँ पे एंट्री करते साथ जो है यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई है जो मैं आप सबको दिखा देता हूँ, बैक कैमरे से भी दिखा दूंगा ये सारी जानकारी इसके बारे में जो दी गई है। तो चलिए पहले बैक कैमरे से सारी चीज़ों की जानकारी आप सबको देता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर की सारी चीज़ें आप सबको दिखाऊंगा। ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए और चैनल पर ना चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए चलते हैं सकते हैं। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उसके बारे में सारी जानकारी जो है वो दी गई है और ये अंदर चलते साथ देखिए ये बहुत सारे बोर्ड हैं जिनके बारे में सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई है, क्या क्या यहाँ पर है क्या नहीं है। और इसका जो है वो पूरा एक इसका नक्शा है एक तरीके से, ये है सारनाथ के उत्खनित अवशेषों की मुख्य योजना और ये सारी जानकारी जो है इसके बारे में दी गई है। ये इंग्लिश में दी गई है और ये हिंदी में, जो आप सब चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ये सारी जानकारी देखिए बुद्धिस्म लैंग्वेज है ये सब। और इसका जो है लोकार्पण हुआ था जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो यहाँ पे किए थे, ये देख लीजिए सारी जानकारी जो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। हम लोग सारनाथ स्तूप के अंदर आ गए और आप सबको बता दूं कि स्तूप का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होता होगा कि स्तूप का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले स्तूप का मतलब आप सब जान लीजिए। स्तूप जो है वो संस्कृत से लिया गया है शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। जी हाँ, ये जो गोल गोल टीले की तरह आप सबको नज़र आ रहा होगा बहुत सारी चीज़ें, इसके अंदर जो है वो पवित्र अवशेषों यानी कि बौद्ध के अवशेषों को रखा गया है। इसी चीज़ को स्तूप कहते हैं। धर्मराज जी का स्तूप है ये। जय हिंद। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध के धातु अवशेषों के प्रतिशत सारी चीज़ें जो है लिखा हुआ है। आप सब चाहें तो वीडियो को जो है वो रोक कर पढ़ सकते हैं। ये हिंदी में है और इधर जो है इंग्लिश में सारी जानकारी जो है वो दी गई है जो मैं आप सबको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो आप सबको बता दूं कि यहाँ पर गौतम बुद्ध जो है वो अपना पहला उपदेश दिए थे। जी हाँ, सारी चीज़ें जो है स्तूप वगैरह जो है वो है, सारी चीज़ें मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। चलिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर, बहुत बड़ी ये जगह है और मैं भी पहली बार आया हूँ, ये सारी चीज़ें आप सबको दिखाता हूँ। तो पीछे जो है आप सबको बता दिखा दूँ, ये सब जो बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं यहाँ पर आते हैं वो अपने हिसाब से अपने तरीके से जो है वो यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं, कुछ चीज़ जो है वो पढ़ रहे हैं वहाँ पर जो मैंने सारी चीज़ें आप सबको दिखाया है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप सबको यहाँ की दिखाता हूँ, जो जो मुझे पता है मैं सारी चीज़ें आप सबको बताऊँगा। तो ये देख लीजिए आप लोग। सॉरी, आई हैव गॉन गो मैनी प्लेसेस इन इंडिया, Golconda एंड the Varanasi. We will go to the Agra. Yes. Yeah. I have gone. Okay. Thank you. तो ये लोग चाइनीज़ थी जो इंग्लिश जो है वो सही से बोल नहीं पा रही थी और ना ही मैं सही से समझ पा रहा था क्योंकि ये लोग चाइनीज़ हैं और इन लोगों को चाइनीज़ आती है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है अशोका पिलर। ये अशोका पिलर है, इसकी सारी जानकारी जो है यहाँ पर लिखी भी हुई है, मैं आप सबको दिखा दूँगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है सारी चीज़ें, सारी जानकारी जो है वो लिखी हुई जो इंग्लिश में है और ये सामने जो है वो हिंदी में सारी चीज़ें जो है लिखी हुई। अगर आप सब चाहें तो आराम से जो है वीडियो को रोक कर जो है आप सब पढ़ सकते हैं। लगभग 15 मीटर ऊंचे एकाश स्तंभ के टुकड़े जो चुनार के बरुए पत्थर से बने एवं विशेष मौर्यकालीन, सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई है, आप सब इसको पढ़ सकते हैं। ये मैं आप सब दिखा दे रहा हूँ, ये है अशोका पिलर, ये देख लीजिए।
ये देखिए इसकी लैंग्वेज भी आप लोग देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है जो बुद्धिस्ट लैंग्वेज है। इसको शीशे में पैक कर दिया गया है क्योंकि इसके अंदर कोई जाए ना, इसको छुए हुए ना, इसीलिए इसको शीशे में जो है वो पैक कर दिया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए सारी चीज़ें जो है वो चुनार के बलुए प्रस्तर से बनी तथा मौर्यकालीन विशिष्ट चमक से युक्त यह एकांश वेदिका आर्टेल महोदय को सन 1104 से लेके 5 में उत्खनन से प्राप्त हुई थी। ये जो मतलब खोदाई में जो है ये सब सारी चीज़ें जो है वो प्राप्त हुई थी, जो सन 1104 से लेके 5 में उत्खनन जब हुआ था तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्राप्त हुई थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये एकाश्मक वेदिका, ये देख लीजिए आप लोग, सारी चीज़ें जो है वो खुदाई में प्राप्त हुई थी, सारे अवशेष, सारे स्तंभ वगैरह, इसकी सारी जानकारी मैं आप सबको दे रहा हूँ जितना मुझे पता है और जितना यहाँ पर लिखा है वो सारी चीज़ें मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ प्रेयर लोग हो रही है, प्रेयर जो हो रही है ये देख लीजिए आप लोग। सारे बुद्धिस्ट लोग जो यहाँ पे आते हैं और प्रेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। अंदर आने का यहाँ पे है जो 20 रुपये इसका टिकट है, जो आपको ऑनलाइन जो है वो पे करना होगा बाहर, उसके बाद अंदर सारी चीज़ें जो है ये सब सारी चीज़ें दी गई है। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ, ये है मूलागंधा कुटी, इसके बारे में सारी जानकारी जो दी गई है। यहाँ पर भी देखिए आप लोग जो है इसको QR को स्कैन करके इसकी सारी जानकारी जो है गूगल से आप सब पा सकते हैं। चलिए चलता हूँ, और यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। ये सारनाथ का सबसे बड़ा स्तूप है जिसका नाम धमेक स्तूप है। ये लगभग 33 मीटर ज़मीन से इसकी ऊंचाई है। बहुत भीड़ लगी रहती है हमेशा यहाँ के पे, यहाँ पे जो लोग आते रहते हैं बाहर से, फॉरेनर लोग बहुत ज़्यादातर आते हैं यहाँ पे। अभी कोरोना चल रहा है तो अभी बहुत कम जो है यहाँ पे लोग आ रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। हम लोग जो है सुबह से चले हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो थकान हो गई चलते चलते। बहुत बड़ा ये है, सारी चीज़ें जो है मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। ये सामने आप सबको एक काला काला जला जला निशान नज़र आ रहा होगा, इसको मतलब कहा जाता है कि कुछ लोगों ने जो है बहुत साल पहले इसको जलाने की भी कोशिश की थी। अब क्या वजह थी क्या नहीं वजह थी अब इतना डिटेल तो मुझे नहीं मालूम। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये है धमेक स्तूप, जी हाँ, इसके बारे में सारी जानकारी जो है वो दी गई है, जो लिखा हुआ है सन 1026 ईस्वी में जो है इसका ये खुदाई प्राप्त हुआ था। ये सारी चीज़ें जो इसके बारे में दी गई है, आप सब चाहें तो ये लंबा सा जो है ये पढ़ सकते हैं आर्टिकल, और एक जो है ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, जो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। और आप लोग जो है उसको गूगल पे जो है स्कैन करके भी सारी जानकारी आप ले सकते हैं गूगल के ज़रिए। तो ये था धमेक स्तूप जो सन 1026 ईस्वी में इसको जो है खुदाई में जो है इसको ये निकला था। ये सारी जानकारी जो है मैंने वहाँ पर लिखी हुई थी, जो मैं बैक कैमरा से आप सबको दिखा दिया हूँ। आप सब चाहें तो वहाँ पर जो है वीडियो को जो है पॉज करके जो है उसको पढ़ सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आप सबको दिखा दिया हूँ। ये बहुत बड़ा सा है जो चलते चलते बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है, और गर्मी भी लगने लगी क्योंकि अब जो है वो गर्मी का सीज़न आ ही गया है। जैकेट पहना हूँ लेकिन बाइक चलाने में बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए जैकेट वगैरह पहन के हम लोग आए हैं। ये सारी जानकारी, बहुत सारी देखिए भीड़ है, बहुत से लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पर आते रहते हैं हमेशा घूमने के लिए। और मैं सारी जानकारी जो मैं यहाँ के आप सबको दिखा दिया हूँ। क्या नाम है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये बुद्धिस्ट लोग जो हैं ये आए हैं यहाँ पर प्रेयर के लिए आते हैं, हमेशा घूमने के लिए आते हैं।
तो अंदर की सारी जानकारी मैंने आप सबको दे दी, और इधर देख सकते हैं ये पूरा जो है म्यूजियम है और चिड़ियाघर वगैरह भी है। हम लोग के पास जो है वो टाइम नहीं है, वरना हम लोग यहाँ पर भी जाते हैं, म्यूजियम में जाते हैं, म्यूजियम की सारी जानकारी आप सबको देते हैं, और चिड़ियाघर भी है उसकी भी सारी जानकारी आप सबको देते हैं, लेकिन हम लोगों के पास जो है वो टाइम नहीं है, शाम हो गई, हम लोग को वापस घर भी जाना है। तो आई होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियो लाता रहता हूं। चलो इंशाल्लाह फिर किसी नए ब्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खत्म, टाटा बाय बाय।